एसडीएम को पति से धोखा करने की मिली सजा, योगी ने कर दिया पूरा हिसाब। घूस कांड में बुरी तरह से फंस गई ज्योति, एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगाया गया सबसे बड़ा आरोप। पति ने पेश कर दिए सबूत, क्यों दिया धोखा, सब कुछ आ गया सामने। खुलकर सामने आ गए सारे राज, एसडीएम के पति का भी काला सच आ गया सामने। पुलिस हो गई हैरान, नया ऑडियो हो गया वायरल। 2017 में एक फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, जिसमें बदला लेने के लिए राजकुमार राव डीएम बन जाते हैं। शादी के मंडप से एसडीएम बनने के लिए उनकी पत्नी भाग जाती है, जिसके बाद बदला लेने के लिए ही राजकुमार राव डीएम बन जाते हैं। लेकिन किसने सोचा था कि जो फिल्म में हुआ वो सच में हो जाएगा। लेकिन इस बार धोखा एक पति को मिला है, जिसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बना दिया, पर अब वो दर दर की ठोकरें खाकर न्याय की गुहार लगा रहा है और कह रहा है, मेरी पत्नी ने मुझसे बेवफाई की, वो ऑफिस में जाकर किसी और के साथ इश्क लड़ाती थी। बीते कुछ दिनों से ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में है। आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब आलोक ने अपनी पत्नी को फोन से कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट्स लीक कर दिए, जिसके सामने आते ही सारे खेल का पर्दाफाश हो गया। अब पति पत्नी का विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ज्योति मौर्य के पति पिछले कुछ दिनों से रो रो कर योगी सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब जो सबूत उन्होंने पेश कर दिया है, उससे न सिर्फ ज्योति की नौकरी जा सकती है, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि अब इसमें योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। ज्योति के पति ने आरोपों से जुड़ी एक चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दी है, जिसमें ज्योति मौर्य के घूस लेने का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट्स के जरिए भी उनके पति आलोक मौर्य ने सबूत पेश किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक डायरी भी पेश की गई है, जिसमें आरोप है कि ज्योति मौर्य पर की गई वसूली का हिसाब किताब रखती थी, इसलिए अब ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर एक जांच की मांग कर डाली है। एक दौर में ज्योति मौर्य और आलोक के बीच बहुत प्यार हुआ करता था, और अपने पत्नी से आलोक इतना ज्यादा प्यार करते थे कि अपने घर वालों के विरोध के बावजूद ज्योति मौर्य को पढ़ाने का फैसला ले लिया। सफाई कर्मी का काम करने वाले आलोक ने दिन रात एक कर पैसे जुटाए और ज्योति मौर्य को पढ़ाने में कोई कुरकसर नहीं छोड़ी। दोनों की शादी 13 साल पहले 2010 में हुई थी। उस वक्त ज्योति मौर्य कोई अफसर नहीं थी, लेकिन वो पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी, इसलिए आलोक ने कर्ज लेकर परीक्षाओं की तैयारी करवाई और वो मेहनत सफल भी हुई, और 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस की टेस्ट पास कर ली। उन्हें एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया, लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर बदल गए। बताया गया कि धीरे धीरे वो आलोक से दूरी बनाने लगी और देर रात तक घर आती थी, जिसके बाद आलोक को शक हुआ और उन्होंने ज्योति पर नजर रखना शुरू किया। लेकिन इसके बाद हकीकत सामने आती गई और आलोक के मुताबिक उन्हें धोखा देते हुए ज्योति मनीष दुबे नाम के एक अधिकारी से प्यार करने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके साथ अवैध संबंध भी बनाए। ज्योति 9 साल के एक बेटी की माँ है और यही वजह है कि आलोक इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। हालांकि पति पत्नी का यह केस भी फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है। आलोक ने यह भी कहा है कि मनीष दुबे ने उनकी हत्या की साजिश भी की है। आरोपों के बाद ज्योति ने भी आलोक के ऊपर केस कर अपना तेवर दिखा दिया है। अब देखना होगा कि ज्योति के ऊपर लगे आरोप और भ्रष्टाचार की साजिश कितना सच है और उनको क्या सजा मिलेगी। देखते रहिए NBC 24।